Hello students, welcome again. So today we shall do the poem Hiawatha of class 4 English book Marigold prescribed by NCERT. And in this video we shall cover explanation of the poem and new words with using sentence. So start it. Hiawatha. Hiawatha was a young red Indian boy. Hiawatha ek red Indian boy tha. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. वह अपनी दादी अम्मा के साथ एक विगवैम में रहता था. विगवैम क्या होती है? विगवैम एक तरह की हट होती है जो कि ऐसी दिखती है. Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them. Nokomis, जो कि उसकी दादी अम्मा का नाम था, उसकी दादी अम्मा ने Hiawatha को उनके आसपास जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी उन सब के बारे में बताया. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. अब दादी अम्मा ने Hiawatha को स्टार्स के बारे में बताया और ट्रीज के बारे में बताया, है ना? कितने सुंदर सुंदर हमारे आसपास भी ट्रीज होते हैं. और इसके साथ साथ इंसेक्ट्स, जो कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके बारे में बताया. और बर्ड्स, बर्ड्स भी हमारे आसपास कितने होते हैं ना, दादी अम्मा ने भी Hiawatha को बताया. और एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में और भी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन सब के बारे में बताया. Hiawatha grew up to love them all. Hiawatha अब उन सब चीज़ों के बीच में ही पला बड़ा था, तो वह उन सब चीज़ों से बहुत प्यार करता था. He could talk to the birds and the animals and they to him. और वह सभी birds और animals से बात भी कर सकता था, और तो सभी बर्ड्स और एनिमल्स भी उससे बातें करते थे. नाउ स्टार्ट द पोएम. देन द लिटिल Hiawatha लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. Hiawatha, जो कि बचपन से ही बर्ड्स के बीच में पला बड़ा था, तो उसने सभी बर्ड्स की लैंग्वेज भी सीख ली थी, और लैंग्वेज के साथ साथ उसने उनके नाम और सीक्रेट्स भी जान लिए थे. How they built their nests in summer, where they hide themselves in winter. और उसने यह भी जान लिया था कि birds summer में अपना nest कैसे बनाते हैं, और जब winter आती है तो वे अपने आप को कहाँ छुपा लेते हैं. Talked with them whenever he met them, called them Hiawatha chicken. और वह जब भी उनसे मिलता तो वह उनसे खूब सारी बातें करता और उनको Hiawatha chicken कहकर बुलाता. Of all bees, he learned the language, learned their names and all their secrets. अब जिस तरीके से उसने birds की language सीख ली थी, उसी तरीके से सभी animals यानी जानवरों की language भी सीख ली थी, और इसके साथ साथ उसे उनके नाम भी पता थे और सब secrets भी जानता था. How the beavers built their lodges, where the squirrels hide their acorns. अब जो बीवर होते हैं वो कैसे अपना घर बनाते हैं. बीवर मेड देयर होम विद मड एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. जो बीवर होता है वो मड यानी कीचड़ से और पेड़ों की टहनियों से अपना घर बनाता है. और जो स्क्विल्स होती है वो अपने एकॉर्न्स कहाँ छुपाती है. ये सब बातें Hiawatha जानता था. एकॉर्न्स क्या होता है? एकॉर्न्स इज अ टाइप ऑफ फ्रूट जो कि ओक ट्री पर लगता है. How the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. जो reindeer होता है वो इतना तेज गति से कैसे दौड़ता है. reindeer एक हिरन के जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके horns बड़े बड़े होते हैं. और जो rabbit होता है वो इतना डरा हुआ सा क्यों रहता है. Talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. और वह जब भी उनसे मिलता उनसे बातें करता और कहता कि ये सब तो Hiawatha के भाई है यानी Hiawatha's brothers हैं. सो ये थी हमारी पॉइंट. नाउ न्यू वर्ड्स. विगवैम. विगवैम मीन्स एन ओवल शेप्ड शेल्टर. सेंटेंस, दे बिल्ट द विगवैम इन विंटर्स. दिस इज विगवैम. बीवर्स. बीवर मीन्स अ ब्रॉड टेल्ड मैमल. Sentence, a beaver was perching on the top of the tree. This is beaver. Acorns,
Acorns means the fruit of oak. Sentence: She was playing with acorns on the floor. This is the fruit acorns. Reindeer: A deer with large horns. Sentence: Jaya saw a reindeer running in the forest. Timid means to show fear. Sentence: The child was timid in front of his parents. So students, this was the poem. Thank you. Milte hain next video mein.